अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम कला जी इस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूवर्स, पहले सबसे सॉरी बोलते हैं, बहुत बहुत सॉरी, आप हमें माफ़ कर दीजिए। कहीं कि बहुत दिन से हम कोई वीडियो लाए नहीं है। हम पहले वाला वीडियो में आगे जो वीडियो छोड़े थे, हम चिंगड़ी मछली का लाल साग छोड़े थे, उसमें हम बता दिए थे। जो देखिए, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, अब हम ठीक हो गए हैं। उम्मीद करते हैं एक का बाद एक डिश आपका पास आ जाएगा। तो चलिए, आज हम बिना वक्त जाए किए बगैर आपका सामने में झटपट बना के दिखाते हैं एक मीठा रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे इतना जबरदस्त डिश, जो खाइएगा एक बार, नाम कीजिएगा बार बार, और शायद आप बहुत कोई जानते भी होंगे, बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम वो डिश बनाएंगे। ऐसे वो डिश मैक्सिमम घर में बनता है, लेकिन ये जो डिश बनेगा ये शायद पहला टाइम बन रहा है। मेरा घर में हम इसको बहुत बार बना के खा चुके हैं, तो आपका संग में भी हम शेयर करते हैं, जो आप भी ऐसे ही बना के डिश खाइए। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं पक्का आम दे के सिवई। तो ये देखिए, ये है पक्का आम। पक्का आम दे के हम सिवई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्या पड़ेगा, सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। सेहत के लिए एकदम हानिकारक नहीं है, बहुत ही फायदेमंद है। बच्चा, बड़े, बूढ़े, किसी को भी आप दे सकते हैं, बड़ा दिल चाह से खाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम चूल्हा में कढ़ाई बैठा दिए हैं, पर चूल्हा ऑन नहीं है। चूल्हा हम ऑन कर देंगे, कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे। अब कितना कितना सामान लेंगे आज हम डायरेक्ट चूल्हा पे दिखाएंगे आपको। तो पहले हम कढ़ाई को होने देते हैं गरम, उसका बाद हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आम हम पक्का वाला लिए हैं, सेम यही साइज का दो पीस हम छिलका उतार के इसका जो गुड़दी है वो निकाल के हम पेस्ट बना लिए हैं। पेस्ट हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, ग्राइंडर का बाटी में हम इसको पेस्ट बना लिए हैं। सिवई तो बहुत किस्म का खाए हैं, पक्का आम का एक बार सिवई खा के ट्राई कीजिए। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बना के ट्राई कीजिए। जब मुंह में आपका स्वाद आ जाएगा तो ज्यादा ही करके बनाइएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तेल हम देंगे, लेकिन कौन सा तेल हम देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। कढ़ाई जैसे कि हमारा देख सकते हैं गरम हो चुका है, फ्लेम हमारा हाई है, मीडियम वाला आंच में हम बैठाए हैं चूल्हा का जो सबसे। यहाँ पे देखिए, एक चम्मच हम देसी घी लेंगे। घी हमारा हाथ में, अपना हाथ से हम उठाए हैं, एकदम देसी भैंस का घी है ये। तो यहाँ पे देखिए, हम डेढ़ चम्मच घी लेंगे। घी को कर लेंगे हम मेल्ट, चारों तरफ घुमा के इस टाइप का, आप देख सकते हैं। हंसते खिलखिलाते मजे से मजेदार डिश बन जाएगा, एकदम मीठा मीठा। तो यहाँ पे देखिए, 250 ग्राम हम सिवई लिए हैं। वो सिवई कच्चा है, आप चाहे तो भुना हुआ भी ले सकते हैं बाजार से, पर इस टाइप का लेने से बहुत ही अच्छा होता। जब घी में इसको फ्राई कीजिएगा, इसका एक ठो ना जवाब स्वाद निखार के आएगा। तो आप देखिए, सिवे इसमें हम ऐड कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे लो। इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ऐसे पर्व त्योहार में बहुत कोई बहुत किस्म का बना के खाते हैं, कोई ओकेशन वगैरह में आप बना के खाइएगा। इस टाइप का शाही टेस्टफुल सिवई आम देखिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, सिवई हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, पर इसी टाइप का हम थोड़ा डीप गोल्डन ब्राउन करेंगे। फ्लेम हम फिर से थोड़ा सा हाई कर दिए थे एक मिनट के लिए, फिर हम लो कर दिए। आप देख सकते हैं, अब इसको हम उतार लेंगे एक बॉल में।
इसी टाइप का गोल्डन ब्राउन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सिवई को हम कढ़ाई से उतार लिए हैं, ये देखिए इसी टाइप का गोल्डन ब्राउन होगा। आप फिर से क्या करेंगे, इसमें हम एक चम्मच घी ऐड कर देंगे, फ्लेम हम हाई कर देंगे। तेल को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे इस टाइप का चारों ओर। तेल हमारा देख सकते हैं गरम हो चुका, फिर से घी। अब इसमें ऐड कर देंगे काजू बादाम, आलमंड बादाम। काजू बादाम हम तकरीबन 20 से 25 पीस लिए हैं, आलमंड बादाम हम 10 से 15 पीस लिए हैं। ये सारा चीज को हम सिर्फ हाफ हाफ लिए हैं, ये गोटा रहता है इसको हम हाफ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बाटी भर के हम मखाना लिए हैं, ये मखाना को भी हम इसी में ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको भी हम इसी में गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। जिस जिस टाइप का हम बना रहे हैं उसी उसी टाइप का बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो तेज पत्ता लिए हैं, एक बड़ा साइज का था उसका आधा लिए हैं, एक मीडियम साइज का लिए हैं तो डेढ़ पीस लिए हैं। इसको फिर से हम बीच में से इस टाइप का टुकड़ा कर देंगे और इसी में इसको हम फ्राई करेंगे। इसका तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हम फ्राई करेंगे। अब देखिए चूल्हा का फ्लेम हम मीडियम करेंगे, मीडियम में इसको हम फ्राई करेंगे और यहाँ पे देखिए तकरीबन 20 से 25 पीस हम लिए हैं किशमिश। ये आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का एकदम किशमिश है हम ले लिए हैं। अगर आपके पास ये सब सामान नहीं हो तो खाली आम, चीनी, दूध, सेवई देके बना सकते हैं। हमारा पास था इसीलिए हम इसको देके बनाए, क्योंकि मेरा पास ये था इसीलिए हम दे दिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्लेम हम फिर से लो कर दिए, मीडियम जो था। अब यहाँ पे देखिए दूध हम पहले से गर्म कर लिए थे, ये हम 1.5 लीटर दूध इसमें ऐड कर देंगे। दूध को धोने के लिए हम 1.5 कप पानी इसमें ऐड किए हैं। फ्लेम अब हम हाई कर देंगे। अब इसी में हम ऐड कर देंगे ये सिवई। अब इसको देके हम हल्का इसको हम चला लेंगे इस टाइप का, ढक्कन हम नहीं देंगे, खोले में ही बनाएंगे इसको। अगर आप ढक्कन लगा के पकाना चाहते हैं तो लो फ्लेम में पहले उबाल आ जाने दीजिएगा, उसका बाद लो फ्लेम में ढक्कन लगा के पकाइएगा। हाफ हाफ सेकेंड में इसको चलाते रहिएगा और बिना ढक्कन का पकाना ही ये बहुत ही अच्छा है, बिना ढक्कन पकाना जरूरी है इसके लिए। तो अब इसमें हम उबाल आने देंगे लेकिन बीच बीच में हम इसी टाइप का चलाते रहेंगे। तो अभी तक तो हम इतना सामान दे दिए हैं, आगे और जो जो चीज देंगे उस सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। बस ये डिश देख के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जहाँ कहीं से भी आप देख रही हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा, आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको उसका बारे में बता देंगे। तो इसी टाइप का चलाते रहेंगे अभी 2-3 मिनट तक, उसका बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 3 मिनट हो गया है, हाई फ्लेम में हम पका रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं सेवई हमारा गल चुका है, बादाम वगैरह और जो हम लिए थे मखाना भी हो गया है आधा, ये आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा भी होके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम किशमिश, यहाँ पे देखिए 100 ग्राम हम चीनी लिए हैं। आप अपना पसंद हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 150 ग्राम लीजिएगा। 250 ग्राम हम लिए हैं सेवई, तो उसमें हम 100 ग्राम लिए हैं चीनी, क्योंकि हमारा घर में चीनी बहुत कम खाते हैं, मीठा बहुत कम पसंद करते हैं, मीडियम में ही अच्छा लगता है, और ज़्यादा कर देने से अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए भी बहुत ख़राब होता है। आप इसका जगह में अगर आपको शुगर है तो शुगर फ्री ले सकते हैं। हम यहाँ पे चीनी यूज़ किए हैं 100 ग्राम, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लीजिएगा 150 ग्राम, और नहीं तो अगर मीडियम में रखना चाहते हैं तो 100 ग्राम लीजिएगा। अब इसको देखिए हम बढ़िया से चला लिए हैं चीनी को, इसको हम थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। अभी 1 मिनट का लगभग हम इसको हाई फ्लेम में चलाएँगे, लेकिन उसका पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम लो कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम लिए हैं गोंडा दूध, इसको अमूल दूध बोलते हैं, अमूल दूध लिए हैं। ये हम इस टाइप का इसमें ऐड कर देंगे, 2 चम्मच का लगभग हम इसमें ऐड करेंगे अभी, और इसको चला लेंगे। 2-2 चम्मच करके हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच, ये अपने ही गाढ़ा हो जाएगा, फ्लेम हमारा लो है, आप देख सकते हैं। फिर से हम चम्मच में उठाएंगे, इस टाइप को चारों तरफ दे देंगे। हम 3 चम्मच लिए हैं, पहले 2 चम्मच लिए, 5 चम्मच ले लिए हैं अमूल दूध पाउडर वाला, मिक्स कर लेंगे इसको बढ़िया से। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है, अब इसी टाइप का हम इसको चलाएंगे। अमूल दूध देने से क्या होता है, इसका जो खुशबू होता है बहुत ही लाजवाब होके आता है, जायका वाला, आप देख सकते हैं। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, फ्लेम अब हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। और इसको हम चला लेंगे इस टाइप, आप देख सकते हैं इसी टाइप का ये गाढ़ा होगा। फिर से हम इसको लो कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक टीस्पून का लगभग इलायची पाउडर, देखिए इसको भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसमें। अगर आपको पाउडर दूध पसंद नहीं है तो खाली दूध में भी बना के आप खा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे आम का पेस्ट, एकदम ऑरेंज ताज़ा आम का पेस्ट हम बनाए हैं। आपके पास कैसा आम है पता नहीं, ये आम का पेस्ट हम इसी में ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस टाइप का।
आप चाहे तो एक आम भी ले सकते हैं, अगर आपका पास आम कम है तो। हम जो दो आम लिए हैं तकरीबन आधा किलो का वजन का था दोनों आम मिला के, आप देख सकते हैं कलर कितना जबरदस्त होके आया है। अब थोड़ा हम फ्लेम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम में इसको हम फुटा लेंगे, लेकिन चलाते रहेंगे। आम दे दिए बहुत सा छीटा पड़ेगा, इसीलिए हम इसको इस टाइप का गोल गोल चलाते रहेंगे। एकदम हल्का सा चल जाएगा, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा तो जल जाएगा। बस एक मिनट का लगभग इसको हम इसी टाइप का पकाएंगे। एक मिनट होके मेरा आ ही गया है, फ्लेम अब हम बंद करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सिवई हमारा बन के रेडी हो गया है। इसी टाइप का गाढ़ा होगा, जब ये ठंडा होगा और भी ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको ठंडा करके खाइएगा, फ्रीज में रख के इतना स्वादिष्ट लगेगा क्या बताएं। जो गर्म खाना चाहते हैं उनको भी दे सकते हैं, जो ठंडा खाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया है, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, अब हम आपको उतार के दिखा रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा पका आम वाला सिवई बन के रेडी हो गया है। जिस टाइप का हम बताए हैं उसी टाइप का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा, हर किसी को पसंद आएगा। और हमारा ये आम का पका आम का सिवई कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। हमारा तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।